बिल्कुल विचित्र दिखते हुए, आई नो दैट। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे मुंह पे डांबर लगा दिया है। तो ये आपको पता चलेगा, ये है एक बिल्कुल रियल वाला रिव्यू। इस तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का चारकोल फेस वॉश के बारे में। आप इसे ध्यान से देख लो, ठीक है? अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैं इसे अप्लाई करके देखने वाला हूँ कि ये इफेक्टिव है या नहीं है। तो इस यहाँ पे लिखा गया है कि थोड़ा सा आपको जो है फेस को वॉश करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है, उसके बाद में इसे अप्लाई करना है। तो वेट ऑलरेडी मैंने कर लिया है ताकि टाइम बचे। अब इसे अप्लाई करेंगे चारकोल फेस वॉश को। ओ माय गॉड, ये तो काफी ज्यादा ब्लैक है। मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब आई हैवन्ट ट्राइड दिस, सो देखते हैं। ओ भाई ये क्या है, मतलब फेस वॉश ही है ना, नहीं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मतलब देख लो पहले मैं कैसा लग रहा हूँ। अलग सा फील आ रहा है मुझे। अभी तक तो नॉर्मल फेस वॉश मैंने अप्लाई किए थे, लेकिन पता नहीं। ठीक है देखते हैं। ओ भाई ये क्या हो रहा है। देखो अगर आप एक बिगिनर हो ना, आपको अगर नहीं मालूम ना कैसे करते हैं, तो आप मेरे से सीख लो। वैसे मैं कोई एक प्रोफेशनल या एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे मुंह पे डांबर लगा दिया है। डांबर मराठी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं मेरे को। इट लुक्स लाइक अ डांबर। अब मैं अपना देसी स्टाइल ओए अप्लाई करके देखता हूँ। ये आपको पता चलेगा, ये है एक बिल्कुल रियल वाला रिव्यू आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी ऐसा इतना काला काला चारकोल वाला वो अप्लाई कभी नहीं किया। इसलिए ये बिल्कुल रॉ वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है कि 1 से 2 मिनट तक आपको इसे ऐसे अप्लाई करके छोड़ देना है, पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए। बस हाँ, आप मुझे क्या फील हो रहा है वो मैं आपको बता दूँ। अब जो फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है ना, यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा जलन महसूस हो रहा है चेहरे पे मेरे। मराठी सांगायचं तर मला चेहरा असा काय म्हणतात त्याला, आगाग होते चेहऱ्यावरती, काही काही जागेवरती थई थई, तर असं माहित नाही का, हात तर असं गंदा होऊन गेलाय काला, माहित नाही 2 मिनिटांनी धुवायचंय। बिल्कुल विचित्र दिसतोय मी, आय नो दॅट, बट जो भाई यहाँ पे देख रहा है बॉम्बे शेविंग कंपनी से, भाई मुझे बता देना कमेंट करके कि ये क्या ये प्रोसीजर है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है मुझे अभी, बहुत ज्यादा। अब तो मैं ज्यादा टाइम नहीं यहाँ पे नहीं रुकने वाला, मैं जाऊँगा इसे धो ले तो पहले तो ठीक है। वीडियो को पॉज कर दो। कसा दिसतोय बघा बरं। मी काय केलं आता माहिती आहे का, पूर्ण धुवायचं बाकी अजून ना, डोळ्यात जाते। मी काय केलं, फक्त असं जसं नॉर्मल सब लड़कों का कॉमन स्टाइल है, ऐसे ऐसे करके साफ कर दो। बस अभी आंखों में जा रहा है तो मैं साफ करके आता हूँ। तो भाई लोग बताओ, अभी कुछ डिफरेंस महसूस हुआ मेरे चेहरे में? क्या मैं ग्लो कर रहा हूँ या फिर नहीं? अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से वॉश किया। आपने देख सकते हो यहाँ पे भी कैसे वॉश हुआ होगा, ये बहुत बढ़िया से। एंड मुझे फर्स्ट टाइम उसके लिए है, आधी वापर लो तो पण दुसरं असतं ते नॉर्मल फेस वॉश जे असतो ना ते। हे चारकोल तर पहिल्यांदाच जसं लावलं ना, असं जळजळ करायला लागलं माझ्या चेहऱ्यावर। मग थोड्या वेळात मी 1-2 मिनटं जसं म्हटलंय तसं गेलो पटकन वॉश करून टाकलं। आणि वॉश करायच्या आधी काय केलं, असं नॉर्मली आपण जसं फेस वॉश वापरतो ना तसं गेलो आणि बस रुमालाने पुसून घेतो। दॅट्स बेटर राईट? असं एकदम असं रगडून रगडून नाही पुसायचं, असं हलकं फुलकं असं नॅचरली हवा 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 हवा। ओके अँड सांगा मला जर काही चुकलं असेल तर, बिकॉज मला माहीत नाही हे वापरतात कसं, बट मी घेतलं आणि आहे म्हणजे चांगलं आहे। थोडाफार फरक पडतो, थोडाफार जास्त नाही। कदाचित रोज लावल्यावर थोडाफार असं ॲड ऑन होऊन होऊन जर तो मोठा फरक पडत असणार तर ठीक आहे, बट इफ यू आर युझिंग दिस सो यू कॅन लेट मी नो।
आणि जर मी काही चुकी केली असेल हिच्यात लावताना किंवा फेस वॉश करताना तर ते पण तुम्ही मला सांगू शकतात, कारण की आय एम अ बिगिनर यार. सो हेल्प मी आउट इन दिस. बाय.